क्या आपने ऐसा कभी कहा है कि भगवान मेरे बालों को ना जल्दी से सुंदर कर दो और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ? क्या आपने ऐसा कभी कहा है? अगर आपने ऐसा कहा नहीं है तो सोचा तो पक्का होगा, या तो कहा होगा या सोचा होगा, इनमें से एक आपने पक्का किया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस वीडियो में होते ही नहीं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अगर आप कर लेते हैं ना तो उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। वो कौन सी बातें हैं चलो पता करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप नहा के आते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके बाल गीले होते हैं, आप टॉवल लेते हैं और अपने बालों को ऐसे जटैक 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 करते हैं। और इस प्रोसेस में पता है क्या होता है, आपके बाल जो पहले से वीक और वल्नरेबल स्टेट में है वो और भी ज़्यादा टूटने लगते हैं। और उसके बाद आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि मेरे बालों में ब्रेकेज का इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है प्लीज़ बता दो। तो वो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने बालों को गीली फॉर्म में इतने तेज़ प्रेशर से झटक रहे हो तो आपका इससे हेयर ब्रेकेज हो सकता है। दूसरा, आप लोग क्या करते हैं, कोई भी सीज़न हो, चाहे कोई भी सीज़न चल रहा है पूरे साल, जो पतली कंघी होती है उससे अपने बालों को सुलझाते हैं। अब पतली कंघी मतलब जो पतली टीथ वाली जो कंघी होती है, अगर आप उससे अपने बालों को सुलझाएंगे तो क्या होगा, आपके बाल और भी ज़्यादा टैंगल्ड होंगे, और भी ज़्यादा उलझेंगे। तो आपको इस तरह की कंघी अपने बालों पे नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की कंघी यानी कि कोम लगाने से आपके बाल जो हैं वो और भी ज़्यादा झड़ते हैं, या तो आपके बीच से टूटने लग जाएंगे या फिर आपके रूट से टूटने लग जाएंगे, लेकिन टूटेंगे ज़्यादा अगर आप इस तरह की कंघी अपने बालों पे लगाते हो। आपको हमेशा जो वाइट टूथ कॉम्ब होती है उनको अपने बालों पे लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, आपके बाल थोड़े बहुत जितने झड़ने चाहिए, जो कि अपने बालों की लाइफ साइकिल के हिसाब से झड़ने चाहिए, बस उतने ही बाल आपके झड़ाएंगे, उससे ज़्यादा आपके बालों को वो नहीं झड़ाएंगी। तो इसलिए आप लोगों को अपनी जो कंघी होती है ना उसका जो चयन होता है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आपके बाल सिर्फ उतने टूटें जितने टूटने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम ड्राई हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि उनका मॉइस्चर कहाँ गया है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने बहुत महंगे महंगे सीरम्स में इन्वेस्ट करना पड़े। आप एक काम कर सकते हो, आप सिर्फ अंडा अपने बालों पर लगा सकते हो। एक अंडा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, मीडियम है, अगर आपके ज़्यादा लंबे बाल हैं तो 2 अंडा, और अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो उस केस में आप हाफ अंडा, मतलब कि हाफ अंडा क्या, आप उसका एग योक वो लगा सकते हैं। चाहे आप एग योक ले रहे हैं या आप फुल एग ले रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आप थोड़ी सी कर्ड इसमें डाल लेना, जिससे कि आप इसे अच्छे से लगा पाओ, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे, आपके बालों में अच्छे से अप्लाई हो पाए। आप इसे चाहो तो मंथली बेसिस पे लगा सकते हो या फिर वीकली बेसिस पे लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके हेयर का क्या टाइप है, वो क्या है आगे थोड़ा सा डिस्कस होगा, लेकिन आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बालों को नरिशमेंट मिल रहा है, मॉइस्चर भी लॉक हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके बाल जो हैं वो सॉफ्ट भी दिख रहे हैं, बालों में कोई रफनेस कोई ड्राइनेस वो भी नहीं आएगी। अब एक और बात बताओ, जब भी आप बाहर जाते हो तो बालों को कैसे रखते हो, मतलब खुला बाल छोड़ के जाते हो या फिर सोचते हो कि बालों को थोड़ा सा अगर मैं बांध के चलूँ, क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? अगर आप बालों को ज़्यादा बांध के रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा खुला रखते हो चलेगा, आपका शौक है, लेकिन उसके बाद आपको कोई ना कोई हेयर मास्क जो आप घर पे बना सकते हो खुद से वो डेफिनेटली लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके बाल जो होते हैं वो मॉइस्चर को लॉक कर लेते हैं। तो अगर उस दिन आपने बाल खोल के आप कहीं गए, आपको कहीं जाना था, आपने बाल खोले, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, अगर आपको कहीं जाना है आप अपने बाल खोल के जा सकते हो, लेकिन आप नेक्स्ट डे ये इंश्योर करो कि आप अपने बालों में कुछ भी खुद से बना के लगाओगे। उस केस में क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं जिनका मॉइस्चर उस दिन के लिए कम हो गया था बाहर जाके एकदम पोल्यूशन की वजह से, तो वो वापस आप ला सकते हो। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताइए, क्या आप अपने बालों को सुबह धोने के बाद शाम को फिर से धोते हैं? नीचे मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसे भी मुझे इंस्टाग्राम में DM आए थे कि मैं अपने बालों को सुबह भी धोती हूँ शाम को फिर से धो लेती हूँ, क्योंकि मैं फिज़िकल एक्टिविटी में हूँ और जिसकी वजह से अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है तो मैं अपने बालों को शाम को फिर से धो लेती हूँ। तो ये भी आपको नहीं करना, एक दिन में बालों को 2 बार धोना इज़ अ बिग नो। अगर आप एक ही दिन में बालों को 2 बार धोएंगे तो आपके बालों का जो मॉइस्चर है, जो कि नेचुरली सबके बालों में थोड़ा बहुत होता ही है, जो कि हमें नेचर ने दिया होता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके ना उस मॉइस्चर को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपको ये नहीं करना। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप सोते हो उस वक्त आप अपने बालों को कैसे बना के रखते हो? क्या आप खोल के सो जाते हो? क्या आप बालों को बांध के रखते हो? क्या आप नॉट सा बना के सोते हो? क्या करते हो आप? ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने बालों को खोल के सोओगे तो आपके बाल आपस में ऐसे रिस होंगे, फ्रिक्शन होगा,
और आपके बाल बहुत ज़्यादा, आप जब सुबह उठोगे फिर आप देखोगे कुशन में इतने सारे बाल कहाँ से आ गए। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपने बालों को खुला छोड़ दिया, बालों में ऐसे ऐसे फ्रिक्शन हो गया और उसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा झड़ने लग गए। तो आपको ये भी नहीं करना कि आपके ग्रे हेयर हैं, अगर आपके ग्रे हेयर हैं और उसमें आप केमिकल से भरे हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में आपको मिल जाते हैं उनमें से आप कुछ भी लगा रहे हैं, तो उस केस में भी आपके बाल यानी कि बालों का टेक्सचर खराब होने लगता है, तो फिर आपके बालों में वो दिखने लगता है। और अगर आप वो कितनी फ्रीक्वेंटली लगा रहे हो वो भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके बाल कैसे दिखेंगे। जैसे अगर आपको कहीं जाना है या इमरजेंसी में आपको नहीं पता कि एकदम से क्या करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एकदम से अपनी मेहंदी जो है वो घोलूं और लगाऊं, तो उस केस में अगर आपने लगा भी दिया इमरजेंसी में एक बार, मतलब साल में एक से दो बार तो चलेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसको लगाते रहेंगे तो आपके बालों में वो डेफिनेटली आपको दिखने लगेगा। तो इसलिए अगर आपके बालों का टेक्सचर ख़राब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप हेयर कलर बहुत करते हैं, साथ के साथ आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हेयर कलर लगाने की वजह से आपको इतने अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने बालों पर देखने को नहीं मिलता है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए जिससे कि आपके बाल और भी अच्छे रहें। आपके बालों का क्या टाइप है, क्या आपको ये पता है? क्या आपके हाई पोरोसिटी हैं, क्या आपके मीडियम पोरोसिटी हैं, क्या आपके लो पोरोसिटी हैं, आपके बाल किस टाइप के हैं, क्या ये आपको पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने लास्ट ईयर आप लोगों से ये वीडियो शेयर किया था एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इस वाले टॉपिक के बारे में। उसके बाद आपने डेफिनेटली और चैनल्स में इनको देख लिया होगा, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आप लोगों को अपने बालों की पोरोसिटी जब समझ आ जाती है तब आप, पोरोसिटी आपके बालों की कोई भी है आप कुछ भी लगा सकते हैं, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप जो भी लगाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा आपको करनी पड़ती है, बस उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग हेयर मास्क बताया, तो ये वाला एग हेयर मास्क अगर आपकी हाई पोरोसिटी है यानी कि आपके बाल ज़्यादा जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं तो आप इसे मंथ में 4 बार लगा सकते हैं। अगर आपके बाल जो हैं वो मीडियम पोरोसिटी है तो आप इसमें मंथ में 2 बार लगा सकते हैं। अगर आपके लो पोरोसिटी है तो मंथ में 1 बार भी आप लगाएंगे तो आपका मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब है कि आपके लिए वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग जितना ज़्यादा बेसिक है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। आपके बालों की पोरोसिटी के हिसाब से आपको उतना ही ऑयल लेना चाहिए। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी है तो ज़्यादा ऑयल लगेगा, मीडियम पोरोसिटी है तो ठीक ठाक ऑयल लगेगा, लो पोरोसिटी है तो काफ़ी कम ऑयल लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे मीडियम पोरोसिटी है तो मैं बहुत सारा ऑयल नहीं लगाती, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। वंस यू नो दैट एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको इतना ऑयल लेना है अपने बालों के हिसाब से, एज इन कितना ऑयल लेना है। उसके अलावा आप लोग किस तरह से ऑयल लगाते हैं, कब लगाते हैं। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं तो कोशिश करना है कि आपको हल्के हाथों से बाल लगाना है, आई मीन टू से ऑयल लगाना है। लेकिन अगर आपके बाल झड़ते नहीं हैं, आप सिर्फ उसकी रेगुलर केयर के तौर पे इसे लगाना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप चंपी भी करना चाहें ना, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको उस केस में। आप उसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं अपने स्कैल्प में, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। सो ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से, और इस वाले सिचुएशन में, नए सेटअप में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करती रहूँ। कैसी लग रही है वीडियो नीचे मुझे कमेंट करके आप बताना। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए